नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अर्थ प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों जहां आपका सपना पूरा होता है जेट से मकान लेने का, अपना एक छोटा सा आशियाना बनाने का। दोस्तों अगर आप भी सर्च कर रहे हैं दिल्ली जैसी लोकेशन पे एक जेट से मकान जो 50 गज के अंदर बना हो और 20 फीट के रोड पे हो विद कार पार्किंग और मेट्रो स्टेशन के पास हो। दोस्तों इस बार की जो प्रॉपर्टी रहने वाली है 50 गज में जेट से बना हुआ न्यू इंडिपेंडेंस हाउस रहने वाला है जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन नवादा के पास रहने वाला है। और डिस्टेंस की बात करेंगे तो तकरीबन 1.25 किलोमीटर नियर बाय मेट्रो डिस्टेंस रहने वाला। दोस्तों लोकेशन की बात करेंगे तो उत्तम नगर मोहनगढ़ की लोकेशन रहने वाली है। मेट्रो के लिए कनेक्टिविटी दोस्तों आपको चंद कदमों में आपके घर के बाहर से आपको मेट्रो के लिए आपको कनेक्टिविटी मिलने वाली। दोस्तों जो प्रॉपर्टी रहने वाली है दोस्तों जमीन से लेकर छत तक आपकी अपनी रहने वाली है, लोनेबल प्रॉपर्टी है, इसमें आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। और दोस्तों कम डाउन पेमेंट पे और कम बजट पे आप नगर जैसी लोकेशन पे तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए रहने वाली है। न्यू इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टी रहने वाली है जिसमें आपकी जमीन और छत दोनों आपकी रहने वाली है। आप चाहें तो इसको 2 से 3 मंजिल अपना बना सकते हैं क्योंकि लेंटर वाली और पिलर वाली प्रॉपर्टी रहने वाली है। लोकेशन हर बार की तरह हमारी उत्तम नगर मोहन गार्डन की लोकेशन है। एमिनिटीज की बात कर लेते हैं, बच्चों के लिए आपको यहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल सारे मिलने वाले, जिम, बैंक, एटीएम सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है। काफी अच्छी लोकेशन पे हमारी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। 20 फीट का रोड मिल जाता है दोस्तों, लोनेबल प्रॉपर्टी मिल जाती है, 70 से 80% इसमें आप लोन भी ले सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों घर के अंदर फैसिलिटीज की, तो दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन आप अपने नाम से ले सकते हैं, पाइप हमने बाहर आपके लिए छोड़ दिए हैं। समरसीबल हमारी हर प्रॉपर्टी में लगा होता है। BSES इलेक्ट्रिसिटी मीटर मिल जाता है, IGL गैस पाइपलाइन मिल जाती है। दोस्तों 20 फीट का रोड रहने वाला है, काफी अच्छा न्यू इंडिपेंडेंस हाउस रहने वाला है। दोस्तों 50 गज में जेट से बना हुआ डुप्लेक्स हाउस जेट से बना हुआ है, 2 मंजिल हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है। देरी ना करते हो, सबसे पहले मैं इसको आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाने जा रहा हूँ। हम चलेंगे अपने फ्रंट एलिवेशन अपनी गली में। जैसा कि बताया कि हमारी जो गली मिल जाती है आपको 20 फीट का रोड मिल जाता है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं काफी बड़ा आपको 20 फीट का रोड मिल जाता है। सीवरेज लाइन ऑलरेडी यहाँ पे डली हुई है दोस्तों। BSES का इलेक्ट्रिसिटी मीटर आपको लगा के दे रहे हैं। IGL गैस पाइपलाइन आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और दिल्ली जल बोर्ड के कनेक्शन हम लोगों ने आपके यहाँ बाहर छोड़ दिया, आप चाहें तो अपना दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं हमारा ये फ्रंट एलिवेशन रहने वाला है। फ्रंट पे आप देखेंगे आपको व्हाइट एंड ग्रीन कलर में पूरा टाइल वर्क मिलने वाला है। प्रोजेक्टर लाइट हम लोगों ने यहाँ पे आपको लगा के दे रहे हैं। ये हमारा पूरा फ्रंट रहने वाला है। स्टील की हम लोग आपको यहाँ पे रेलिंग लगाकर देने वाले हैं। स्टील की रेलिंग आपको यहाँ पे लगा कर देंगे। फ्रंट पे जो गेट मिलेगा काफी बड़ा आपको आयरन का यहाँ पे गेट मिलने वाला है, देख सकते हैं डबल शटर में है, आपको काफी बड़ा आपको आयरन का गेट मिलने वाला है। ये हमारा आपको यहाँ पे रैंप मिल जाता है। रैंप आप देखेंगे, रैंप पे हम लोगों ने पूरा ग्रेनाइट वर्क किया हुआ है। आप अपना इजीली यहाँ पे अपना गाड़ी अपना यहाँ से अंदर ले जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 3 स्टेप दे रखे हैं, आप स्टेप देखेंगे, स्टेप पे भी आपको पूरा ग्रेनाइट वर्क मिल जाता है। स्टेप काफी कंफर्टेबल हमारे यहाँ पे स्टेप रहने वाले हैं। हम लोग जैसे अपना एंट्रेंस करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे एक मिनी गेट मिल जाता है। मिनी गेट से हम लोग एंट्रेंस करते हैं। ये एंट्रेंस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मिनी गेट दे रखा है। यहाँ से हम लोग एंट्रेंस करेंगे तो डायमेंशन जैसे बताया आपको 15x30 का हमारा डायमेंशन रहने वाला है। 15 का आपको फ्रंट मिल जाता है, 30 इसकी लेंथ मिल जाती है। इंट्रेंस करके आप देखेंगे काफी बड़ा आपको यहाँ पे पार्किंग एरिया मिलने वाला है। पार्किंग एरिया का साइज की बात कर ले तो काफी बड़ा है, आप इजीली अपना यहाँ पे एक बड़ी से बड़ी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, साथ में भी 2 से 3 बाइकें लगा सकते हैं। दोस्तों बात करें तो फ्लोर पे हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेनाइट नेटवर्क पूरा यूज किया हुआ है। ये पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया में 4-4 फुट तक हम लोगों ने यहाँ पे पूरा टाइल वर्क आपको कर रखा है। सीलन वगैरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आपको 4-4 फुट तक पूरा तीनों तरफ हम लोगों ने यहाँ पे आपको टाइल वर्क करके दे रहे हैं। बात कर लेते हैं अपने फॉल सीलिंग डिजाइन की, तो पार्किंग एरिया में आपको यहाँ पे पूरा फॉल सीलिंग का डिजाइन वर्क मिल जाता है। आप देखेंगे ऊपर पूरा लाइटिंग वर्क है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारी ये प्रॉपर्टी। मिनिमम 15-20 डेज, मैक्सिमम 20-25 डेज के अंदर हम आपको ये प्रॉपर्टी पूरी रेडी करके देने वाले हैं। 50 गज जेट से बना हुआ न्यू इंडिपेंडेंस हाउस, जमीन से लेकर छत तक आपका रहने वाली ये प्रॉपर्टी है। दोस्तों जमीन भी आपकी और छत भी आपकी। फ्यूचर में आप चाहें तो उसको 2 से 3 मंजिल बना सकते हैं क्योंकि ये हमारी लेंटर वाली प्रॉपर्टी रहने वाली है। पार्किंग एरिया के साथ ही आपको यहाँ पे आपका एक रूम मिल जाता है, एक वॉशरूम मिल जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे अपना रूम। रूम में हम लोग एंट्रेंस करेंगे तो डोर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो डोर मिलेगा, डोर आपको जो मिलेगा 3x8 फुट का, 3 इसकी लेंथ मिलने वाली है, 8 फुट चौड़ा मिलने वाला है। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे चौकट मिलने वाली है, सारी आयरन की चौकट मिलने वाली है। फ्यूचर में आपको यहाँ पे दीमक और सीलिंग की प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। हम लोग जैसे एंट्रेंस करेंगे फ्लोर पे देख लेते हैं, तो फ्लोर पे आपको पूरा टाइल वर्क मिल जाता है, आपका साइज काफी अच्छा मिल जाता है। पार्किंग एरिया के साथ रूम और वॉशरूम के साथ जो साइज दिया, साइज काफी अच्छा मिलने वाला, आप डबल बेड इसमें लगा सकते हैं। फ्रंट वॉल पे हम लोग आपको यहाँ पे पूरा वॉल पे बढ़कर डिजाइन वगैरह लगा कर देने वाले, क्योंकि जो हमारी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है न्यू इंडिपेंडेंस हाउस रहने वाला है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बनने के बाद काफी अच्छी और काफी खूबसूरत हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है। नियर बाय मेट्रो स्टेशन नवादा, जो तकरीबन 1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। और मेट्रो के लिए कनेक्टिविटी दोस्तों आपको चंद कदम मिलने वाली है। काफी अच्छा हमारा रूम रहने वाला है। ऊपर फॉल सीलिंग की डिजाइन की बात करेंगे तो फॉल सीलिंग का डिजाइन इस रूम के अंदर भी आपको मिलने वाला है। मॉड्यूलर स्विच वायरिंग काफी अच्छी की हुई है, दिखा दे अपने हमारे मॉडल स्विच रहने वाले, काफी अच्छे आपको मॉडल स्विच मिल जाते हैं। इस रूम के अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा विंडो दे रखा है, आप चाहें तो अपना पार्किंग एरिया में अपना कूलर, अपना एसी वगैरह लगा सकते हैं। ये आपको विंडो मिलने वाली है।
आप नीचे अपना कूलर वगैरह लगा सकते हैं, ऊपर अपना एसी लगा सकते हैं। हमने बनाया हुआ है कि आप अपना एसी और चाहे तो कूलर लगा सकते हैं। पावर स्विच हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है, पावर स्विच हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। हम लोग जैसे यहाँ से चलेंगे तो हम लोग को हमारा एक वॉशरूम भी मिल जाता है। मैं आपको आपका वॉशरूम भी दिखा दूं तो हमारे को आगे यहाँ चलते ही सबसे पहले एक वॉशरूम मिल जाता है। ये हमारा वॉशरूम रहने वाला है। वॉशरूम में हम लोग जो आपको गेट लगा के दे रहे हैं पीवीसी का, हम लोग को यहाँ पे गेट मिल जाता है, हमारा पीवीसी का गेट रहने वाला है। इंट्रेस करेंगे वॉशरूम में तो हमारा जो वॉशरूम रहने वाला है, वॉशरूम में आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पे पूरा टाइल वर्क किया हुआ है, टाइल वर्क पूरा वॉशरूम में किया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने शावर के लिए पाइप दे रखा, हम लोग आपको यहाँ पे शावर वगैरह लगा के देंगे। यहाँ पर पूरी टैप्स रहने वाली है और हम लोग आपको यहाँ पे पूरा इंग्लिश के पॉट के साथ वॉशरूम बनाकर देने वाले हैं। ये हमारा पूरा वॉशरूम है, काफी अच्छा आपको यहाँ पे वॉशरूम मिल जाता है दोस्तों। और जो हमारे वाटर कनेक्शन रहने वाले हैं, जैसे कि आपको बताया समरसीबल हमारी हर एक प्रॉपर्टी में लगा होता है, क्योंकि जो न्यू प्रॉपर्टीज होती है समरसीबल हम लगा कर देते हैं। तो समरसीबल हमारा लगा हुआ है, देख सकते हैं नीचे हमारा फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के कनेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे कर दिए हैं, समरसीबल हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन भी हमने नीचे कर दिए हैं, आप चाहें तो दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन अपने नाम से ले सकते हैं दोस्तों। टैंक वगैरह सारे हमने छत पे रख दिए हैं। आपको ऊपर देखने को दो टैंक मिलेंगे, दोनों टैंक आपको इसमें आपके एक समरसीबल एक दिल्ली जल बोर्ड का आपको टैंक मिल जाता है। और जो हम लोग की यहाँ पे स्टे रहने वाली है, जैसे ही हम लोग अपना फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे तो फर्स्ट फ्लोर के लिए आपको जो स्टे मिलेंगे, स्टे का साइज देख सकते हैं काफी बड़ा आपको स्टेयर का साइज मिलने वाला है। स्टेयर के साइज की हम बात कर लेते हैं तो 2.5 से 3 फुट का आपको स्टेयर का साइज मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टेयर पे हम लोग यहाँ पे आपको जो लगा के दे रहे हैं टाइल प्लस ग्रेनाइट वर्क यूज करके दे रहे हैं। स्टेयर पे जो हम लोगों ने दिया हुआ है टाइल प्लस ग्रेनाइट वर्क दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग आपको यहाँ पे स्टील की रेलिंग वगैरह लगा के देने वाले, शुरू से लेकर एंड तक हम आपको यहाँ पे स्टील की रेलिंग लगा के देने वाले दोस्तों। 50 गज में है, अगर आप भी ढूंढ रहे हैं दिल्ली में जड़ से बना हुआ मकान कम बजट में, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए रहने वाली है। लोनेबल प्रॉपर्टी है, आप चाहें तो बैंक से इसमें 70-80% बैंक से लोन ले सकते हैं दोस्तों। नियर बाय मेट्रो स्टेशन नवादा का रहने वाला। हम चलेंगे अपना फर्स्ट दोस्तों, हम आगे अपना फर्स्ट फ्लोर पे, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर रहने वाला है। यहाँ पे आपको सेपरेट एंट्री मिल जाती है, अगर आप फ्यूचर में इसको 2 से 3 मंजिल बनाना चाहते हैं तो ऐसे रेंटल पर्पज से इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको सेपरेट एंट्री मिल जाती है, यहीं से हम लोग जैसे एंट्रेंस करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डोर मिलने वाला है। डोर का साइज आप बात करेंगे तो डोर के साइज की बात करें तो 3 बाय 8 फुट का आपको डोर मिलने वाला है। वुडन वर्क में आपको डोर मिल जाता है, काफी हैवी क्वालिटी में हमारा डोर रहने वाला है। इंट्रेस करते ही आपको आपका ये यहाँ पे छोटा सा ड्राइंग रूम मिल जाता है। ड्राइंग में आप देखेंगे आपको यहाँ पे पूरा टाइल वर्क मिलने वाला है, ड्राइंग रूम में पूरा टाइल वर्क मिल जाता है। ऊपर फॉल सीलिंग का डिजाइन वर्क मिल जाता है दोस्तों, काफी अच्छी हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है। आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम में ही आपको यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे किचन मिल जाता है। किचन की बात कर लेते हैं, किचन का स्पेस काफी बड़ा आपको मिलने वाला है। एल कॉर्नर हमारी किचन रहने वाली है, काफी स्पेसियस हमारी किचन रहने वाली है। आप इसके साइज देखेंगे तो काफी बड़ा आपको यहाँ पे साइज मिलने वाला है दोस्तों। बात कर लेते हैं अपने स्लैब की, तो स्लैब देखेंगे व्हाइट कलर में हमारे यहाँ पे स्लैब मिलने वाला है। पूरा एल कॉर्नर में आपको व्हाइट कलर में आपको स्लैब मिल जाता है। एंटी नोज आपको यहाँ पे सिंक मिल जाती है, सिंक हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखी है। टैप अभी इसमें हम लोग आपको लगा के देंगे, जैसा कि आपको बताया कि अभी जो हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी फिनिशिंग वर्क होना इसमें बाकी है दोस्तों। किचन में हम लोग देखेंगे जो हमारे यहाँ पे जो आपको रैक मिलने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग आपको जो लगा के दे रहे हैं ग्लास वर्क में लगा के दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा ग्लास वर्क में आपको यहाँ पे पूरा मॉडल किचन मिलने वाला है। किचन में वेंटिलेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहने वाली, क्योंकि किचन में हम लोगों ने यहाँ पे विंडो दे रखी है, विंडो को अपना ओपन कर सकते हैं। वेंटिलेशन बिल्कुल भी आपको किचन में नहीं मिलने वाला। किचन में बिल्कुल सामने देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने आपको हाई ग्लोसी बिल्कुल टाइल लगा के देखी, काफी अच्छी क्वालिटी की। यहाँ पे आपको पूरा एल शेप में आपको यहाँ पे पूरा टाइल वर्क मिल जाता है। आप देख सकते हैं टाइल काफी अच्छी हमारे यहाँ पे रहने वाली है। बात करें तो बास्केट्स की, तो यहाँ पे आपको बास्केट्स काफी अच्छे मिलने वाले हैं, स्पेसियस बास्केट मिलने वाले हैं और बहुत सारा अपने इसमें सामान रख सकते हैं। आपको यहाँ देख सकते हैं काफी आपके डॉस मिलने वाले हैं। यहाँ हम लोगों ने आपको आरओ के लिए स्पेस दे रखा है, आप चाहें तो अपना इसमें आरओ वगैरह लगा सकते हैं। आरओ के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक टैब दे दिया, आरओ यहाँ लगा सकते हैं। ये हमारे आप रैक देख सकते हैं, ये काफी स्पेसियस हमारे यहाँ पे आपको सारे रैक मिल जाते हैं। काफी अच्छी और काफी बड़ी हमारी किचन रहने वाली है, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। काफी अच्छी हमारी किचन मिल जाती है, ऊपर आपको फॉल सीलिंग का डिजाइन वर्क मिल जाता है। इस प्रॉपर्टी के अंदर हम आपको इंटरकॉम फैक्ट्री भी लगा के दे रहे हैं, आप चाहे तो अपना गेट यहीं से ओपन कर सकते हैं। इंटरकॉम फैक्ट्री के लिए हम लोगों ने यहाँ पे वायर अभी हम लोगों ने यहाँ पे डाल दी है, हम आपको पूरा रेडी करके देने वाले। अगर आप अपना यहाँ फ्रिज लगाना चाहते हैं तो फ्रिज के लिए पावर स्विच हम लोगों ने यहाँ पे दे दी है, आप अपने यहाँ पे फ्रिज वगैरह लगा सकते हैं। ये हमारा आपको पूरा डाइनिंग रूम मिल जाता है, डाइनिंग रूम में भी आपको पूरा फॉल सीलिंग का डिजाइन वर्क के साथ काफी अच्छा हमारा यहाँ पे आपको डाइनिंग रूम मिलने वाला है। डाइनिंग रूम के बिल्कुल सामने हम लोग बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे आपका वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम के गेट की बात करेंगे तो गेट भी आपको काफी बड़ा आपको स्पेसियस गेट मिल, काफी बड़ा आपको यहाँ पे गेट मिलने वाला है। गेट देख सकते हैं, ये हमारा वॉशरूम रहने वाला, भी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो फिनिशिंग वर्क इसमें अनकम्प्लीट है।
टिल एंड तक आपको पूरा टाइल वर्क मिल जाता है। टाइल वर्क हमारा रहने वाला है, काफी स्पेसियस आपको यहाँ मिल जाता है। आपको हम देखेंगे तो नीचे भी हम लोगों ने वॉशरूम में टाइल वर्क पूरा करके दे रहे हैं। गीजर फिटिंग, शावर फिटिंग्स हम लोग यहाँ पे आपको करके दे रहे हैं। पूरा आपको यहाँ पे गीजर फिटिंग, शावर फिटिंग सारी मिल जाती है। इंग्लिश पॉट के साथ हमारा वॉशरूम रहने वाला है। वॉशरूम में घुटन वगैरह बिल्कुल नहीं रहने वाले, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे विंडो दे रखी है। विंडो ये हमारी शॉप के साथ कनेक्ट रहने वाली है। काफी बड़ा आपको यहाँ पे वॉशरूम मिल जाता है 50 गज के अंदर। यहाँ से हम लोग जैसे आगे निकलेंगे तो हमारे को यहाँ पे हमारा मास्टर बेडरूम मिल जाता है। मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाऊं तो काफी बड़ा हमारा आपको रूम मिल जाता है। एंट्रेंस करते ही सबसे पहले आपको 3x8 का डोर मिलने वाला है। वुडन वर्क में है, काफी अच्छा हमारा यहाँ पे डोर रहने। एंट्रेंस करेंगे तो हमारा ही आप देख सकते हैं जो हमारा साइज रहने वाला है। आप काफी अच्छा आपको साइज मिल जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे पूरा आपको वुडन वर्क करके दे रहे हैं, पूरा अलमीरस वगैरह बना के दे रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ा हुआ है कि आपका यहाँ पे 6x6 का बेड आ सकता है। बेड आप अपना पूरा यहाँ लगा सकते हैं। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो फिनिशिंग वर्क हुआ नहीं है। जब फिनिशिंग वर्क हो जाए तो काफी अच्छी हमारी ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। फ्लोर टाइल्स यहाँ पे नीचे हम लोगों ने लगा रखी है। 50 गज जैसे बना हुआ डुप्लेक्स हाउस रहने वाला है। यहाँ पे आपको आपके ये डोर मिल जाते हैं। आप चाहे तो अपना इसमें अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने काफी अच्छे आपको एंटीक आइटम रखने के लिए यहाँ भी डोर दे रखे हैं। अभी अनकम्प्लीट है, लाइटिंग वगैरह पूरा इसमें हम आपको करके देने वाले। एक वॉल पे हम लोग आपको यहाँ पे वॉलपेपर का डिजाइन वर्क पूरा लगाकर देने वाले हैं। बात करेंगे इस रूम में फॉल सीलिंग डिजाइन की, तो फॉल सीलिंग का डिजाइन भी आपको इस रूम के अंदर काफी अच्छा आपको फॉल सीलिंग का डिजाइन वर्क देखने को मिल जाएगा। इस रूम के अंदर आपको वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि ये रूम जो हमारा रहने वाला है शॉप के साथ कनेक्ट रहने वाला है। यहाँ हम लोगों ने शॉप दे रखी है तो इस रूम में भी आपको वेंटिलेशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों ये जो रूम रहने वाला है, इस रूम के अंदर हम आपको एसी की फिटिंग अंडरग्राउंड करके दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी यहाँ एसी की फिटिंग हम लोगों ने यहाँ पे कर दी है। आप अपना इनडोर यहाँ लगा के आउटडोर अपना ऊपर लगा सकते हैं। दोस्तों इस रूम के अंदर आपको काफी स्पेसियस रूम और आपको हम अलमीरा, एसी फिटिंग और शॉप शेयर कनेक्ट करके दे रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट रूम मिल जाता है। यहाँ से हम लोग जैसे आगे चलेंगे अपने सेकंड रूम की तरफ, तो सेकंड रूम में भी आपको जो गेट की बात कर लेते हैं, गेट हमारा 3x8 का वुडन वर्क में काफी बड़ा आपको यहाँ पे गेट वर्क मिल जाता है। काफी अच्छे हमारे यहाँ पे चॉक्स वगैरह मिलने वाले, चौकट सारे आपको यहाँ पे आयरन के मिल जाए। जैसे ही हम लोग इस रूम से आगे निकलेंगे तो नीचे फ्लोर टाइल्स आप देखेंगे, नीचे फ्लोर टाइल्स आपको देखने को मिलेगी और फॉल सीलिंग का डिजाइन भी आपको इस रूम के अंदर पूरा देखने को मिल जाता है। रूम का साइज की बात करेंगे तो काफी स्पेसियस रूम का साइज मिल जाता है। फ्रंट वॉल पे हम लोग आपको यहाँ पे वॉलपेपर इस रूम में भी लगाकर देने वाले हैं। बात करेंगे अलमीरा की तो हम लोग इसमें आपको अंडरग्राउंड अलमीरा लगाकर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी अलमीरा रहने वाली है। अलमीरा का अगर हम आपको खोल के दिखाऊं तो काफी स्पेसियस आपको अलमीरा मिल जाती है। काफी बढ़िया हमारी अलमीरा रहने वाली है। यहाँ शू से लेकर एंड तक पूरी आपको अलमीरा मिल जाती है। ऊपर भी हम लोगों ने यहाँ पे अलमीरा दे रखी है। ये हमारे जो रूम के अंदर वेंटिलेशन इसमें भी नहीं रहने वाली, क्योंकि ये जो रूम रहने वाला बालकनी के साथ रहने वाला है, तो हम लोगों ने यहाँ पे विंडो दे रखी है। डबल पल्ले में हमारी यहाँ विंडो रहने वाली है। आप चाहे तो अपना यहाँ पे कूलर वगैरह लगा सकते हैं। ऊपर हम लोगों ने स्पेस दिया हुआ है, आप ऊपर चाहे तो अपना एसी वगैरह लगा सकते हैं। पावर स्विच, एमसीबी बॉक्स यहाँ पर हम लोगों ने आपको दे रखे हैं। 250 गज में है, जेड से बना हुआ इंडिपेंडेंस हाउस रहने वाला। ऊपर आपको पूरा 2 BHK मिल जाता है। ऊपर आपको 2 रूम, ड्राइंग रूम, 1 वॉशरूम और 1 आपको किचन मिल जाता है। दोस्तों हम लोग जैसे यहाँ से अपना चलेंगे बालकनी की तरफ तो यहाँ पे हम लोग को जो गेट मिलता है बालकनी में सिक्योरिटी पर्पज से जो गेट मिलता है वो भी आपको 3x8 फुट का, 8 फुट का आपको गेट मिल जाता है। वुडन वर्क में है, काफी अच्छे हैंडलॉक्स हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। हम चलेंगे अपने बालकनी एरिया में, मैं आपको बालकनी दिखा दूँ। ये हमारा पूरा बालकनी रहने वाला है, आप देख सकते हैं। ये हमारा पूरा बालकनी एरिया में भी आपको यहाँ पे पूरा नीचे फ्लोर टाइल्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम लोग आपको पूरा ग्रिल वगैरह लगा के देने वाले, स्टील की हमारी यहाँ पे ग्रिल रहने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट कलर एंड क्रीम कलर में पूरा आपको यहाँ पे टाइल वर्क मिलने वाला है। हम लोगों ने जो आपको स्पेस दिया काफी अच्छा स्पेस दे रखा है। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा स्पेस एक्स्ट्रा दे दिया है, किचन कम करके थोड़ा स्पेस दे दिया ताकि अपना आप चाहे तो यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। टैब हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट दे दिया, टैब हमारे यहाँ पे लगी हुई है। टैब अपना हम लोग आपको लगा के देने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग आपको आपके पॉइंट्स वगैरह दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने आपको मॉडुलर स्विच वगैरह दे रखे हैं, आप अपना वॉशिंग मशीन यहाँ पे लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं ऊपर लाइटिंग वगैरह की, तो हम लोगों ने आपको यहाँ पे फॉग लाइट पूरा लगा कर दे रहे हैं। हम चलेंगे अपने टेरिस एरिया पे, मैं आपको आपका टेरिस एरिया भी दिखाऊंगा। तो टेरिस एरिया हमारा काफी बड़ा, काफी छोटा हमारा टेरिस एरिया रहने वाला है। जैसे हम लोग अपना टेरिस एरिया पे चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग को स्टेयर मिल जाती है। स्टेयर पे हम लोग आपको पूरा स्टील की रेलिंग लगाकर देने वाले, शू से लेकर एंड तक आपको पूरी स्टील की रेलिंग मिलने वाली है। बात करेंगे अपने स्टेयर की तो स्टेयर पे आप देखेंगे ग्रेनाइट प्लस हम लोगों ने यहाँ पे टाइल वर्क पूरा किया हुआ है। काफी कंफर्टेबल हमारी यहाँ पे आपको स्टेयर मिलने वाली है। स्टेयर काफी कंफर्टेबल मिल जाती है। जैसे हम लोग अपना टेरेस एरिया चलते हैं तो यहाँ पे आपको आपके फर्स्ट फ्लोर के एमसीबी बॉक्स मिल जाते हैं। हम चलेंगे अपने टेरेस एरिया पे, हम लोग अपना टेरेस एरिया एक बार देख लेते हैं। दोस्तों हम आगे अपने टेरेस एरिया पे, ये हमारा टेरेस एरिया रहने वाला है। जैसे हम लोग टेरेस एरिया पे चलते हैं तो यहाँ पे हम लोग को छोटा सा स्पेस मिल जाता है। ये स्पेस हम लोगों ने आपके इन्वर्टर कनेक्शन के लिए दिया हुआ है। यहाँ आप अपना इन्वर्टर सोलर लगा सकते हैं। शू से लेकर एंड तक आपकी यहाँ पे स्टील की आपको रेलिंग मिलने वाली है। हमने इन्वर्टर के लिए यहाँ पे पॉइंट दे दिया, आप अपना इन्वर्टर लगा सकते हैं। और सिक्योरिटी पर्पज से जो हम लोगों ने यहाँ पे गेट दिया है आयरन का, काफी मजबूत आपको यहाँ पे गेट मिल जाता है। आयरन का हम लोग का गेट रहने वाला है।
घर के अंदर वेंटिलेशन तो नहीं रहने वाली क्योंकि शॉप्स हम लोगों ने यहाँ पे दे रखी है, फिर भी अगर वेंटिलेशन होती तो हम लोगों ने यहाँ पे विंडो दे रखी है, यहाँ भी आपको एक विंडो मिल जाती है। हम चलेंगे अपने टेरिस एरिया पे, जो हमने अपनी वीडियो शुरू की थी अपने टेरिस एरिया से की थी, तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा टेरिस एरिया रहने वाला है। डायमेंशन 15x30 का रहने वाला, तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा आपको यहाँ पे आपका टेरिस एरिया मिलने वाला। फ्लोर टाइल्स 2x2 की व्हाइट कलर में यहाँ पे फ्लोर टाइल्स लगी हुई है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी ये फिनिशिंग वर्क हुआ नहीं है दोस्तों, फिनिशिंग वर्क पूरा हम लोग आपको कंप्लीट करके देने वाले हैं। ये आपको पूरा टेरिस एरिया मिल जाता है, यहाँ पे हम लोग जो आपको रेलिंग लगा कर देंगे, यहाँ पे हमारी स्टील की आपको यहाँ पे रेलिंग मिलने वाली है, पूरी स्टील की हम लोग यहाँ पे आपको रेलिंग लगा कर देने वाले हैं दोस्तों। 50 गज में जेट से बना हुआ न्यू इंडिपेंडेंस हाउस रहने वाला है। शॉप्स भी हम लोग इस प्रॉपर्टी में आपको मिल जाती है, शॉप्स में दिखाऊं जैसे कि हमारी ये शॉप्स रहने वाली है। घर में तो वेंटिलेशन आपको बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है, और यहाँ पे हम लोग आपको एक टैब भी लगा के दे रहे हैं, आप फ्यूचर में चाहें तो यहाँ पे अपना टैब्स वगैरह इसको इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। लोनेबल प्रॉपर्टी है दोस्तों, 70 से 80% लोन ले सकते हैं, डाउन पेमेंट बहुत ही कम रहने वाली है, डाउन पेमेंट मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, प्राइस वगैरह भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं दोस्तों। आप चाहे तो 15 से 20% डाउन पेमेंट देके इस प्रॉपर्टी को अपना बना सकते हैं, अपने गृह प्रवेश की दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। जमीन से लेकर छत तक आपका रहने वाला, 50 गज में डुप्लेक्स हाउस दोस्तों मिलने वाला है, नियर बाय मेट्रो स्टेशन नवा स्टेशन हर बार के उत्तम नगर मौन गार्डन के दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।